नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अभी अभी यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी वेबसाइट पे एक इन्फॉर्मेशन दिया है और वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं पीईटी के मेंस एग्ज़ाम यूडीए एलडीए, जिसे आप लोग लोअर पीसीएस भी बोल रहे हो कहीं ना कहीं, पूर्त निरीक्षक को जिसकी बात करें, सप्लाई इंस्पेक्टर की, उसके लिए कट ऑफ जारी कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है, मैं ये बताने आपके लिए नहीं आया हूँ कि ये कट ऑफ जारी कर दिया गया है, ऐसा है वैसा है, कुछ चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, जो बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा, जो आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा प्लस में बहुत सारी बातें आपके हित में और बहुत ही जो आपके लिए लाभदायक हैं वही बोली जाती हैं, अन्यथा नहीं बोली जाती हैं। बच्चों, मैं यहाँ पे आपके सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो कि तो यूडीए एलडीए और पूर्त निरीक्षक कुल मिला के आपकी 76 पद की विज्ञप्ति आई थी। सबसे बड़ी बात है कि केवल 76 पद बहुत अजीब सी बात होती है, अधीनस्थ जैसे आयोग केवल 50 पद, 60 पद, 76 पद निकालते हैं। हालांकि ये वैकेंसी ऐसी है तो उस पर ज़्यादा टिप्पणी मैं नहीं करूँगा, लेकिन इसके लिए अभी इन्होंने 15 गुना बुलाया है और आप सभी को मालूम है कि ये पीईटी के मेन्स के अंतर्गत है। कुछ निगेटिव और कुछ पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ, ज़्यादा नहीं, सबका 4 से 5 मिनट लूँगा, जो आपको समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक चीज़ आप देखो, इन्होंने क्या बोला है कि बस आप ये देख सकते हो कि रिजल्ट सेगमेंट में जाके अपना देख सकते हो, 2116 बच्चे शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। लेकिन हम मेन मुद्दे पर आते हैं, इसके कट ऑफ पे। कट ऑफ देखो तो अगर जनरल कैटेगरी का देखो, अनरिजर्व का देखो, तो 86.17, जो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, 86.17 स्कोर दिया गया है, कट ऑफ अंक दिया गया है, इस बात का ध्यान देना। वहीं पे अनुसूचित जाति का ओबीसी का 83 दिया गया है, एससी का कोई पद विज्ञापित ही नहीं था, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है यहाँ पे 86.17 है, ठीक है ना। अनुसूचित जनजाति एसटी का कोई नहीं था, ये एससी का दिया हुआ है, और यहाँ पे ओबीसी का नीचे दिया हुआ है 86.17, दोनों को एक साथ ही दे दिए हैं। और आर्थिक रूप से जो कमजोर ईडब्ल्यूएस है वो भी आपका तीनों का एक समान ही गया है। तो एक चीज अगर आप यहाँ पे देखो, बाकी यहाँ पे 36 आरक्षण है, उस सबसे पद विज्ञापित नहीं है, स्वतंत्रता संग्राम के लिए विकलांग का 81 गया है, महिला का 83 गया है, ये बात आप समझना, 83 स्कोर गया है। और 85-86 स्कोर मतलब ये हो गया, जब आप 82-83 नंबर पाते हो तो आप 99% में इंक्लूड क्या होते हो, पहुंच जाते हो, ठीक है ना। यहाँ पे अगर 86+ है मतलब कि आपका 98-99% प्लस वाले बच्चे ही यहाँ पे क्या हो रहे हैं, चयनित हुए हैं, किसके लिए, मेंस एग्जाम के लिए, ये बात आप समझिएगा। अब जो मुद्दे की बात ये है, दो चीज़ें देखते हैं कि आपका स्कोर कितना है, 86 मान लो 85 मान लो 86 परसेंटेज, इसे परसेंटाइल में देखोगे तो 99 जाएगा, परसेंटेज में देखोगे तो क्योंकि 100 क्वेश्चन था यहाँ पे, 100 में से 86 नंबर है, मतलब 86% गया। और अभी अभी कल UPSI का रिजल्ट आया जिसमें 315.00 नंबर गया है, 316, हम उस 320 के अप्रॉक्स लेके चले, तो 320 बटे का 400 किया जाए तो लगभग 80%, मतलब कि ये 86% जो स्कोर है कितने पद के लिए, 2000 पद के लिए है। और अभी ये फाइनल नहीं है, अगर अब देखा जाए 2000, मान लो 2000 ही वैकेंसी होती तो 86% बच्चे क्या हो जाते, सेलेक्ट हो जाते, ये बात समझिएगा। वहीं पे अगर आप देखो तो 10,000 पद 9,534 पद थे, वहां पे जो कट ऑफ गया है वो 80% गया है। आप एक चीज समझ सकते हो, दोनों आयोग को अगर मैं कंपेयर करूं तो कहीं ना कहीं फिर भी अधीनस्थ जो है इसका पेपर बहुत फेयर हुआ है, तभी केवल 2000 पद के लिए भी, वो भी पेपर भी आप देखो, पीटी का पेपर बहुत आसान हुआ था, 100 ही क्वेश्चन थे, एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन थे, एसआई का पेपर हार्ड था, वहाँ पे आपके 160 क्वेश्चन थे, वहाँ पे टेम्परामेंट अलग था, कई सारे सेगमेंट थे, तो देखा जाए तो ओवरऑल ये 86% भी अगर केवल 76 पद के लिए देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल पद की नज़रिए से देखा जाए तो वैसे तो बहुत ज़्यादा हाई है, बट अगर हम 76 पद को कंसिडर करें, वहीं पे 9,536 पद को कंसिडर करें, उसके सापेक्ष में देखा जाए तो। खैर, इतनी बात आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं जो दोनों आयोग हैं उनमें कुछ ऐसी बातें हैं जो दोनों के एग्ज़ाम कराने का तरीका एकदम अलग है। बच्चे लगभग वही होते हैं, वही UPSI वाले, वही PTE वाले, एक ही बच्चा हर जगह देता है पेपर, तो वही बच्चा यहाँ पे कम कर क्यों कर रहा है, वही बच्चा वहाँ पर ज़्यादा क्यों कर रहा है, ये कहीं ना कहीं आप भी इसका उत्तर जानते हो, मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। हालाँकि इतना मैं बोलूँगा कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और आप जो तैयारी कर रहे हो आगामी PTE की फिर से आने वाली है तो अभी से जुट जाओ, क्योंकि आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं पीटी ने अधीनस्थ ने जो ये बोला था कि वर्ग में वैकेंसी निकालेंगे उस पर नहीं चल रहा है, ये शॉर्ट में वैकेंसी निकाल रहा है, मतलब कि अलग अलग पद को अलग निकाल दे रहा है, तो उसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग हो जाता है, मतलब वही बच्चा लेखपाल में बैठ रहा है, वही बच्चा आपका कहीं ना कहीं UDLD में बैठ रहा है, वही बच्चा किसी और पद पर बैठेगा, तो ऐसे क्या हो जाएगा, जनरल बच्चों को जिनके नंबर कम है उनको अवसर कम मिलेगा, तो इसलिए आज से मेहनत करना शुरू कर दो और
एक ऐसा परसेंटाइल 95-96% मतलब आप 80 नंबर के तो ऊपर लेके आओ ही किसी कीमत पे, कि अगर 1000-2000 पद आते हैं तो उसमें आप आराम से चयनित रहो, उसमें मेंस में आपको बैठने का मौका मिले। इतनी छोटी सी जानकारी मैं आपके सामने लेके आया था। अगर आप पीटी की तैयारी कर रहे हो तो परीक्षा प्लस ने बहुत ही न्यूनतम शुल्क में केवल अगर देखा जाए तो 299 रुपए में, है ना, 299 399 ये आपका अगर फीस देखोगे 399 होगा आपका। पीईटी का बैच आपका लॉन्च कर दिया गया है, आप इसमें जुड़ सकते हो। और एक मैं आपको जरूरी जानकारी ये भी दे दूं कि इस बार संडे को पीईटी का निशुल्क टेस्ट सीरीज कराया जाएगा परीक्षा प्लस ऐप पे, तो ऐप इंस्टॉल कर लो और उसमें आपको 1000 रुपये जो टॉपर होगा 1000 रुपये आपको कैश प्राइज भी मिलेगा परीक्षा प्लस ऐप पे, ये बात आप समझते हुए चलो। बाकी जो कोर्स से जुड़ना चाहते हैं परीक्षा प्लस ऐप से ही जुड़ सकते हैं पीटी का, और कोई कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी फीस एकदम निःशुल्क 299 में चलाया जा रहा है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हो। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का।